हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज बात करने वाले हैं एमएससी के जो मैचिंग प्रोसेस चल रहा है उस पर, और उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस में हो रहा है अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है कि स्कॉलरशिप का एडमिशन हुआ, और उसमें स्कॉलरशिप में फर्स्ट स्कॉलरशिप नोटिस, उसके बाद फर्स्ट के री, उसके बाद सेकेंड और सेकेंड के री, उसके बाद पेइंग में शुरू हुआ, पेइंग में फर्स्ट की आई, फिर उसकी फर्स्ट की री आई, उसके बाद फिर मतलब कि जो सेकेंड आया है अभी, तो सेकेंड में देखेंगे तो आपका 3598 मीन्स 35 से 98 रैंक तक की जानकी में लोएस्ट रैंकिंग रैंक के हिसाब से बच्चे को मिला है, और उसकी एडमिशन कल तक मीन्स अनिश्चितते कि 3 बजे तक आप करवा सकते हैं। तो जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है उसकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जाकर आपको अपना एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है कि आप सपोज आपकी काठमांडू यूनिवर्सिटी की कोई कॉलेजेज इन लॉट हुई है, तो आप काठमांडू यूनिवर्सिटी के लिए आप www.kusms.edu.np लॉगिन करें और वहां पर नोटिस देखें, और फाइनली वहां पर जाए और अपना डॉक्यूमेंटेशन मीन्स जो फी पेमेंट है वो भी कर आपको लेकर जाना है, और वहां पर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाएं और फिर अपना एडमिशन लें, और फिर आप वो जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहां पर वो एडमिशन कंफर्मेशन पेज लेकर रिपोर्ट करें। उसी तरह से त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में आपकी हुई है तो आपको महाराजगंज मेडिकल कैंपस आना पड़ेगा, और वहां पर आपको जाकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है वहां पर आपको उसकी वेबसाइट www.im.edu.np लॉगिन कर आप देख सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो कर और वहां पर भी आप एडमिशन लेकर उसकी कंफर्मेशन पेज लेकर आप अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज में जा सकते हैं। अब आया यहां पर कि देखिए मेरा तो नाम आया है लेकिन मुझे अपग्रेड करने के लिए रुकना है, तो देखिए आपकी अपग्रेड करने के लिए रुकना है तो जब सपोज मानिए कि आपने 5 मेडिकल कॉलेजेस फिलअप किया था जिसमें से आपकी 4th नंबर की कॉलेज मिला है, और तो अब क्या है कि दूसरे 1वें नंबर में आएगा, तो आप 1वें, 2रे और 3रे नंबर में देखिए कि कितने रैंक तक की वहाँ पर बच्चे को गया है रैंकिंग के हिसाब से, और उसके हिसाब पर आप फाइनली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बनते हैं। आप फर्स्ट जो सेकेंड आया है मैचिंग का लिस्ट, एडमिशन लिस्ट, उसमें आप एडमिशन नहीं लेते हो तो री मैचिंग में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वहाँ से आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप अपने अपना जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी आपकी अपनी थॉट्स प्रोसेस है कि मुझे पेइंग में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे कौन कॉलेज मिलेगा तो पढ़ूंगा, मेरा क्या फैमिली अफोर्ड करता है, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर देख सकते हैं और रैपअप तक भी जा सकते हैं। लेकिन रैपअप में मोस्टली जो कॉलेजेज में सीटें खाली होती है वो जानकी दोगाहा मीन्स नीचे की लोअर रैंकिंग की कॉलेजेज में सीटें खाली होता है, तो ये भी रिक्शे आपको देखना है। अब आते हैं कि जो सेकेंड मैचिंग है उसका तो एडमिशन करने का मतलब कि 19 मार्च तक आपकी है, तो वहाँ तक आप करा लीजिए और करने का जाएगा तो ये है, और रैपअप जो है वो करने का मतलब कि क्लास चलते रहेगा रैपअप होगा, तो रैपअप में आपको ये है जो भी बच्चे रैपअप में जाएंगे उन के लिए थोड़ा मीन्स वो ज़्यादा इफेक्टिव क्लासेस नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो 2 से 4 दिन 5 दिन की जो क्लासेस है उन लोग की छूटेगा, क्योंकि रैपअप की मुझे लगता है रैपअप जो है मस्ट प्रोबेबली 2 तारीख को 2 गते फागुन 2 गते को होगा, मुझे जहाँ तक बहुत ही आशा है कि 2 गते या 3 गते को रैपअप होगा। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड रिस्क रही, आप इस पर देखें और एक बार अपने रीथिंक करें और क्या चीज़ है, और एक बार ये भी है कि जो हायर रैंकिंग कॉलेजेस था बीपी कोराला और काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 2 मेडिकल कॉलेजेस में जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी रैंक के हिसाब से ज़्यादा देखा गया है, मीन्स कहने का मतलब कि लास्ट ईयर 12 से रैंक तक की बच्चे को मिल गया था, लेकिन इस साल आप देखेंगे तो 9 से ही रैंक तक को बच्चे को मिलते हुए नज़र आ रहा है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड KUSMS बोला जाए एंड बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो धरान में है, ये 2 कॉलेज। तो ये सारे कैलकुलेटेड रिस्क रही, आप देखें। अब फिर कहने का मतलब कि अभी स्कॉलरशिप भी बाकी है, एक पाकिस्तान स्कॉलरशिप हो गई मिल सकता है, नेपाल गवर्नमेंट के पास आ सकता है जो कि MSc को मिलेगा, MSc आप लोग को अलॉट करेगा।
ये कहने का मतलब कि इजिप्ट की स्कॉलरशिप बाकी है, बांग्लादेश की तो आ गई, बांग्लादेश के लिए जो बच्चे हैं वो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे इसमें वाफक में भी नहीं मिलता है उन लोग के लिए एक गुड चांसेस ये है कि बांग्लादेश की जो फॉर्म है यही सेशन की, जो हमारे नेपाल में सेशन चल रहा है, यही सेशन की जो फॉर्म की डेट है वो कहने मतलब कि 29 फरवरी तक है, और कहने मतलब कि बहुत ज़्यादा डेट है, तो वहाँ पर भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रख सकते हैं, जो भी बांग्लादेश में फ्रेशर हैं जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उन लोग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप पर्सनल इंटरेक्शन अपने सर्कमस्टेंसेस रखकर आप पूछना चाह रहे हो कि कोई भी क्यूरी, तो आप दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पर मेरा, वहाँ से आप मुझे इंक्वायरी आउट कर सकते हैं, यहाँ भी व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा इस पर भी, या ईमेल कर आप इंक्वायरी आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल कर भी आप अपने